नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा शूज़ लाए हूँ जिसका साइड व्यू ये है और फ्रंट व्यू ऐसा। 4 से 5 नंबर के पैर में ये आसानी से फिट आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 55 फंदे डाले हैं, 55 स्टिचेस डाले हैं और 4 लाइन सीधा सीधा बुना है, जिससे उल्टे फंदों की 2 लाइन आ गई है। अब हम 25 फंदे सीधा बुन लेंगे। अब 5 फंदों को, ये हमारे सेंटर के 5 फंदे हैं, हम 2 बार बुनेंगे। एक बार सीधा बुना और फिर एक बार बैक लूप से सीधा, तो ये एक फंदे से 2 फंदा हो गया। नेक्स्ट फंदा भी एक बार सीधा बुनेंगे और एक बार बैक लूप से सीधा सीधा, फिर बैक लूप से सीधा, फिर सीधा और फिर बैक लूप से सीधा सीधा और फिर पीछे से सिलाई डाल के सीधा बना लेंगे। तो हमने 5 लगातार 5 फंदों को 2 बार बुना है। अब ये 5 से 10 हो गए। 25 फंदे इस साइड से हैं और लास्ट में भी 25 फंदे हैं, 55 फंदे टोटल थे। तो 25 फंदे हमने सीधे बुने, 5 फंदे को 5 से 10 किया और लास्ट के 25 फंदे हैं जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब इस समय सिलाई में 60 स्टिचेस हो गए हैं और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। लास्ट फंदा उसे हम उल्टा बना लेंगे। तो मैंने 25 डिज़ाइनर फंदे डाले थे। डिज़ाइनर फंदों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये 3 धारियां हो गई हैं, यानी कि 6 लाइन कंप्लीट हो गई है और ये 7वें लाइन है जिसमें 25 फंदे बुने जा चुके हैं। तो पिछले लाइन में हमने 5 से 10 किया था, अब कि हम इन 10ों फंदों को 2 बार बुनेंगे, एक बार सामने से और एक बार बैक लूप से, एक बार सामने से और एक बार बैक लूप से। तो 10 फंदों को जब 2 बार हम बुनेंगे तो ये हो जाएंगे 20 फंदे, यानी अब सिलाई में 70 फंदे हो जाएंगे। 10 फंदों को हम 2 बार बुनेंगे, एक बार आगे से सीधा और एक बार पीछे से सीधा। तो 10 फंदे 2 बार बुनने से 20 हो जाएंगे और साइड साइड में 25 25 फंदे हैं, तो टोटल हो जाएंगे 70 फंदे। और साइड के 25 फंदे इसे हम नॉर्मली सीधा बना लेंगे। और 8वीं लाइन में रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदे सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उसे हम उल्टा बना लेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, साइड के 25 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। 25 फंदे बुने जा चुके हैं। अब हम ये हमारे सेंटर के बढ़ाए हुए 20 फंदे हैं, इनको हम 40 कर लेंगे। 5वीं लाइन में हमने 5 से 10 किया था, 7वीं लाइन में 10 से 20 और ये हमारा 9वां लाइन है जिसमें हम 20 से 40 करेंगे, यानी बीच के 20 फंदों को हम 2 बार बुनेंगे, एक बार सामने से और एक बार बैक लूप से। बीच के 20 फंदों को हम 40 फंदा बना लेंगे और साइड के 25 फंदे वो सिंपली सीधे बुने जाएंगे। इस तरह नाइन्थ रो में फंदे बढ़ के हो जाएंगे 90, टोटल स्टिचेस हो जाएंगे 90 और ये हमने 10 नंबर पर बुनाई की है। और
टेंथ रो में यानी रॉन्ग साइड में सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। पहला फंदा उतार लिया जाएगा, स्लिप किया जाएगा और लास्ट फंदा उसे उल्टा बुना जाएगा। तो मैं टेंथ रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हूँ। देखिए फ्रेंड्स, टेंथ रो कंप्लीट हो गया है। हमने 55 डिज़ाइनर फंदे डाले थे और 10 लाइन कंप्लीट होने के बाद ये हो गए हैं 90 फंदे। तो अब हम अपना सेकेंडरी कलर लगाएंगे और अब हम डिज़ाइन डालेंगे। तो सेकेंडरी कलर से हम 3 फंदे सीधा बुनेंगे और चौथा फंदा स्लिप कर लेंगे। 3 फंदे सीधा और चौथा फंदा स्लिप करेंगे। इन्हीं चारों फंदों को हम दोहराते हुए सेंटर में आएंगे। 3 फंदा सीधा, चौथा स्लिप करना है, 3 फंदा सीधा और चौथा स्लिप करना है। देखिए फ्रेंड्स, तो इन्हीं चार फंदों को रिपीट करना है और मैंने इसे 11 बार रिपीट किया है, यानी ये हो गए 44 स्टिचेस। चार फंदों को 11 बार रिपीट किया है, हो गए 44 स्टिचेस। अब यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर इसी को हम रिवर्स में बनाएंगे, यानी कि 2 फंदा बनाने के बाद अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। इसी तरह 3 फंदा सीधा बुनते हुए अगला फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो मैं 12वां लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। 13वां लाइन और सामने से। तो अब हम प्राइमरी कलर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और तीसरा फंदा स्लिप कर लेंगे। ये देखिए, जो फंदा हमने स्लिप किया था अब कि उसके पहले वाला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। फिर 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3 और चौथा फंदा स्लिप किया है। देखिए, पिछली लाइन में हमने इसके बाद वाला फंदा स्लिप किया था। फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे और चौथा फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह बुनते हुए हम सेंटर में पहुंचेंगे। तो सेंटर में पहुंच के मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदा सीधा बुनते हुए शुरुआत में हमने 2 ही फंदे सीधे बुने हैं और बीच में 3 फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप किया है। तो 3 फंदे को सीधा बुनते हुए चौथे फंदे को स्लिप करते हुए देखिए हम सेंटर में पहुंच गए हैं। तो पिछली लाइन में हमने सेंटर में 2 फंदे रखे थे, साइड में देखिए 3-3 फंदे हैं और सेंटर में 2 फंदे हैं। तो इस बार हम पिछली बार में हमने 2 फंदे रखे थे, अब कि हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब कि हमने 4 फंदे सीधे बुने हैं, 5वें फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद फिर 3 फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, यानी हमारा जो पैटर्न है उस पे हम वापस आ जाएंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। 15वीं लाइन और सामने से। अब फिर सेकेंडरी कलर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, फिर चौथा फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप कर लेंगे। तो 3 फंदा सीधा बुनते हुए और चौथा फंदा स्लिप करते हुए हम सेंटर में पहुंचेंगे। तो सेंटर में पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये जो हमने फंदा स्लिप किया था, तो इस फंदे से लेके और दूसरे स्लिप किए हुए फंदे तक, देखिए यहाँ बीच में 4 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बुने गए हैं। तो ये 4 फंदे और ये दोनों साइड के
एक एक फंदे यानी छह फंदे हमें सेकेंडरी कलर से सीधा बुनना होगा। ये छह फंदे हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद सातवां फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, यानी जो हमारा पैटर्न है वो तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा। तो यहाँ पे सेंटर में एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट में तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा स्लिप किया हुआ है इसे वापस स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे। तो इस तरह हम बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हम चार से पाँच नंबर के लिए बना रहे हैं। यदि आपको बड़े साइज का बनाना हो तो आप साइड के 25 फंदे हैं उन्हें आप बढ़ा के या कम करके छोटा या बड़ा बेबी शू भी, फंदे कम करके आप बेबी शू भी बना सकते हैं और बढ़ा के आप बड़े नंबर का भी बना सकते हैं। प्रोसेस सेम प्रोसेस, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। 17वीं लाइन और सामने से प्राइमरी कलर से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर चौथा फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदों को सीधा बुनेंगे और ऐसे ही बुनते हुए हम सेंटर में पहुंचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं सेंटर में पहुंच गई हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब जो फंदा हमने यहाँ स्लिप किया है तो इस फंदे से और दूसरा फंदा जो हमने स्लिप किया है वहाँ तक हमें सभी फंदे सीधे बनाने होंगे। देखिए, शुरू में हमने दो फंदे स्लिप करने के बाद हमारे पास दो फंदे बचे थे, तो दो फंदे हमने बुने। अगली लाइन में ये स्लिप किया हुआ फंदा भी इसमें ऐड हो गया, तो चार फंदे हो गए। और तीसरे सीधी लाइन में साइड से दो फंदे ऐड हो गए, तो छह फंदे हो गए। अब की देखिए, ये साइड से दो फंदे ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आठ। इस तरह हर सीधी लाइन में सेंटर में फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब की हम आठ फंदे सीधे बनाएंगे। ये स्लिप जहाँ से स्लिप था वहाँ से लेके और दूसरे स्लिप तक सभी फंदे सीधे, उसके बाद वाला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और फिर जो हमारा पैटर्न है यानी तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कलर, यानी कि सेकेंडरी कलर से तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है जैसे हमने यहाँ शुरू किया था। तो ऐसे ही हम, अब देखिए फ्रेंड्स, हम वापस सेंटर में आ गए हैं। तो स्लिप किए हुए फंदे से स्लिप किए हुए फंदे तक हमें सभी फंदे सीधा बुनना है। यहाँ पे हमने तीन फंदा सीधा बुना, चौथा फंदा स्लिप किया। अब स्लिप, ये सेंटर के स्लिप किए हुए फंदे से स्लिप किए हुए फंदे तक हमें सभी फंदे सीधे बनाने हैं। फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर हमारा जो पैटर्न है तीन फंदा सीधा चौथा फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा चौथा फंदा स्लिप करना है, उस पर हम वापस आ जाएंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। तो दो लाइन और हम डिज़ाइन बनाएंगे, यानी एक प्राइमरी कलर से एक लाइन और बनेगा और सेकेंडरी लाइन से, यानी चार लाइन हमें और बनाना होगा। दो दो लाइन प्राइमरी कलर से और दो लाइन सेकेंडरी कलर से। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी कलर से चार डिज़ाइन बन चुके हैं, एक दो तीन और चार, चार
डिज़ाइन बन चुके हैं। तो अब हम सेकेंडरी कलर का अब हमें कोई काम नहीं है, इसे हम काट लेंगे और गांठ लगा देंगे और अब हमें सिर्फ प्राइमरी कलर से ही बुनाई करनी है। अब हम प्राइमरी कलर से सारे फंदे सीधे बना लेंगे और 8 लाइन हमें प्राइमरी कलर से बुनना होगा, आगे से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, इस समय हम सेंटर में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 फंदे से हमने स्टार्ट किया था और इस समय सेकेंडरी कलर के 14 फंदे यहाँ पे मेन में आ गए हैं, सेंटर में 14 सीधे फंदे आ गए हैं। तो अब हम प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो अब हमें ये, अब हम इस पोर्शन में हैं तो हमें 8 लाइन प्लेन बनाना होगा, यानी सभी फंदे हम सीधे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। तो मैं इतना बुन के आपको दिखाती हूँ। डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद 9 रो तक मैंने सभी फंदे सीधे बुने हैं, सामने से सीधे और पीछे से उल्टा, यानी प्लेन बुना है। अब रॉन्ग साइड से अब हम सभी फंदे दोनों साइड से सीधा बनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर सभी फंदे सीधा बनेंगे। अब हमें दोनों साइड से सभी फंदे सीधे ही बुनने हैं। ये हमारा डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद ये हमारा 10वां लाइन है और हम सभी फंदे सीधा बुन रहे हैं। और लास्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधा ही बुन लेंगे। तो उल्टे फंदों की देखिए, एक धारी ये आ गई है और पीछे से भी हम सीधा बुनेंगे तो 2 धारी आ जाएगी। तो 2 धारी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2 उल्टे फंदों की धारियाँ आ गई हैं और अब हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना देंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया, शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए लास्ट के 3 फंदे तक पहुँचेंगे। तो मैं लाइन पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 3 फंदे बचे हैं तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। हम फिर राइट साइड में हैं और 3 उल्टे फंदों की धारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे को नेक्स्ट 2 फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 का एक किया, एक फंदा घटा दिया, शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए लास्ट के 3 फंदे पर आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 3 फंदे बचे हुए हैं तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष फंदे सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। अब हम फिर राइट साइड में हैं और 4 उल्टे फंदों की धारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए, शेष फंदे हम सीधा बुनेंगे और लास्ट के 3 फंदों तक पहुँचेंगे। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे, लास्ट फंदा सीधा। तो हमने 6 फंदे घटा दिए, 3 इस साइड से और 3 दूसरी साइड से। तो इस तरह घटाने से हमारी एड़ी जो है, देखिए ऐसे राउंड में आएगी, नुकीला नहीं निकला रहेगा, राउंड में आएगी। फ्रेंड्स, दोनों साइड से 3-3 फंदे कम होने से अब 84 फंदे ही रह गए हैं। तो हम 42 फंदों को सीधा बुनेंगे, 42 फंदे बुने जा चुके हैं। अब दूसरी साइड में भी 42 फंदे ही हैं। अब इसको ऐसे बीच से फोल्ड कर देंगे
और एक तीसरी सिलाई लेंगे, एक दूसरे सिलाई से और एक पहले सिलाई से, दोनों से एक एक फंदा लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर हम ऐसे ही एक पिछली सिलाई से और एक सामने वाली सिलाई से, दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए। अब पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। फिर हम दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, पिछला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, पीछे वाला फंदा भी आगे वाले पे चढ़ा देंगे। या अगर हमको इस तरह तकलीफ़ हो रही है तो तीसरी सिलाई में दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे ऐसे उतारेंगे, ऐसे चढ़ाते जाएंगे, एक बार इस सिलाई से, एक बार दूसरी सिलाई से, एक बार दूसरी सिलाई से और एक बार पहली सिलाई से, एक बार दूसरी सिलाई से, एक बार पहली सिलाई से, इस तरह करके तीसरी सिलाई में सारे फंदे हम चढ़ा लेंगे। सारे फंदे हमारे एक ही सिलाई पे आ गए हैं, क्योंकि हमने गले वाले सिलाई में फंदे उठाए थे, इसलिए हमारा थ्रेड हम इसको आराम से बुनाई कर सकते हैं। तो हम दो दो देखिए दो दो फंदों का ऐसे पेयर हो गया है, तो दो दो फंदों को हम लेते जाएंगे, दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा लेंगे, या फिर इसको भी बाएं सिलाई में कर लेंगे और तीन तीन फंदे एक साथ लेते जाएंगे और तीन का एक कर देंगे। तीन किया, वापस इसे बाएं सिलाई में चढ़ाया, तीन का एक, वापस बाएं सिलाई में चढ़ाया, तीन का एक, वापस बाएं सिलाई में चढ़ाया, तीन का एक। इस तरह हम तीन तीन फंदे लेते जाएंगे और तीन का एक करते हुए सारे फंदे उतार देंगे। तो मैं सारे फंदे उतार के आपको दिखाती हूँ। फंदे उतार लिए गए हैं, अब हम थ्रेड काटेंगे और इसमें से इसको ऐसे निकाल के और कस लेंगे। थ्रेड छोटा ही रखेंगे क्योंकि हमारा दूसरे साइड में बहुत लंबा धागा पड़ा हुआ है। तो अब हमें बस इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है और जूता तैयार हो जाएगा। सिलाई जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसा ही करेंगे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे अपने अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।